गो न्यूज़ की खबर का असर। 5 अप्रैल को गो न्यूज़ ने दिखाया था कि कैसे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने छात्रों की आधार से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की थी। हमारी खबर के बाद ये जानकारी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से हटा ली गई। गो न्यूज़ ने 5 अप्रैल को खबर दिखाई थी कि कैसे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रों के आधार से जुड़ा डेटा, जिसमें छात्रों का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, माता पिता की आय और फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया था। गो न्यूज़ की खबर के बाद ये जानकारी वेबसाइट से हटा दी गई। गौरतलब है कि इसमें बिहार के सभी 38 जिलों के 30,000 से ऊपर छात्रों का आधार से जुड़ा डेटा शामिल था। आधार कानून के अनुसार किसी का भी आधार से जुड़ा डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आधार कानून का उल्लंघन है। इस संदर्भ में हमने UIDAI से बात करने की कोशिश की, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें UIDAI ने अपनी चुप्पी बरकरार रखी है। इससे पहले महाराष्ट्र की शिवाजी यूनिवर्सिटी ने भी अपने छात्रों के आधार से जुड़ी जानकारी अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक की थी। दोनों ही मामलों में हमें प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।